ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾ ਰਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਉਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੋੜੇ ਨਾ ਕੋ ਰੱਖ ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੁੱਤ ਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਘਰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਠਾਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ मैं जंग तुसी किथे जाना है मैं जंग तो आगे जाना हैगा अच्छा अच्छा हां जी उथे कौन रहंदा तोड़ा मेरा घर हैगा उथे इस वजह तो सही ते मैं अपने घर जा रही हूं मेरी शादी उथे हुई है ना सही कुछ खाओगे तुसी नहीं नहीं कुछ भी नहीं खाना मैं मेनू भूख नहीं लगी नहीं नहीं मैं सफर च नहीं खांदी कुछ भी क्योंकि फिर उल्टियां आन लग जांदियां सफर बड़ा लंबा होता है ना फिर इस वजह तो ਗਰੂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲੋ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਏ ਹਏ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ मेनू कुछ हो रहा है मेरा सिर चकरा रहा है की होया बाजी तो मेनू घबराहट हो रही है पता नहीं गर्मी की वजह तो होवेगी ना नींद जी आ रही है मेनू ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਜੀ 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 ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਵੀਂ ਚਲ ਠੀਕ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠੋ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी नाज़रीन ये जो हमने स्टोरी बनाई है सबक मोर स्टोरी है
तो तकरीबन ये हमारे माहौल में आजकल ये ऐसा हो रहा है जो हमने दिखाया है। तो जो मुझे रोल मिला था और मैडम पारो का जो रोल मिला था जो हमने अच्छे तरीके से वो अदा किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और मज़ीद आप इसके बारे में क्या कमेंट, हमारे कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करते हैं, और मज़ीद नेक्स्ट हमें जो स्टोरी आपके कोई माइंड में हो तो हम वो भी बनाने को तैयार हैं। जो भी स्टोरी आप कमेंट में बता सकते हैं कि हम ये इस स्टोरी पे वर्क करें। तो मज़ीद आज मैडम पारो हमारे चैनल पे न्यू आए मेंबर, तो मैं इनसे कहता हूँ कि ये क्या कहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा नुमान टीवी के साथ काम करके, ये बहुत अच्छी स्टोरीज बनाते हैं और सबक मौज होती है, जिससे आपको एक सबक मिलता है कि आप नेक्स्ट अपना एहतियात करें, कहीं भी सफर में जाते हुए कभी किसी से कोई चीज़ भी लेके ना खाएं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे तो आप लोगों ने वैसे ही लूट लिया था केला में इंजेक्शन का कुछ मिलाकर। तो मैं तो यही कहूंगी कि इन जैसे लोगों पर बिल्कुल यकीन न करें, ये शक्ल से भोले भाले लगते हैं पर इन्होंने जो मेरे साथ किया वो मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। तो आप ये ना समझे कि फ्रूट है, ये फ्रूट दे रहे हैं। तो आजकल के जदीद दौर है, जदीद माइंड बन गया लोगों के, केला हो, सेब हो, आम हो, कोई भी, तो वो उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं नशे के। जिस तरह मैंने इंजेक्शन लगा के इनको खिलाया आपकी आलिया को और ये बेहोश होगी, और हमने एक्चुअली हमने इनको स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि ये निकल रही हैं और इनके पास पैसे हैं। तो आजकल लोग पैसों की खातिर, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लोग पैसे की खातिर दूसरों की जान ले लेते हैं, तो अपने अपनी हिफाजत करनी चाहिए हर जगह पे, अपने आप को संभाल के रखें। तो मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंजा।